स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिजल्ट नंबर 6। आप रिजल्ट नंबर 6 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देखें रिजल्ट नंबर 6 को। सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल। मान लेते हैं ये बेस एंगल है, ठीक है, ये वाला बेस एंगल है। ठीक है, तो अगर ये बेस एंगल है, ठीक है, ये आपका बेस एंगल, तो बोल रहा है इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों जो है एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद लिख रहा है बेस एंगल एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अदर इक्वल टू, ये आपका ये भी आपका ये इक्वल है, ये भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है क्या कि अदर इक्वल टू वन हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल, मतलब आपको प्रूव करना है QTR ये वाला जो होगा आपका, वो आपका क्या होगा, QPR से आधा होगा। ठीक है, हाफ होगा, ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि ये जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, ये एंगल इससे हाफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बताते हैं, उसके बाद इसका हम जो है इसके एप्लीकेशन आपको सिखाएंगे। सबसे पहले इसको देखिए आप, तो इसका एप्लीकेशन इसके बाद में आपको सिखाने वाले हैं, तो आप इस चीज़ को पहले देख लेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग इसको जो करना है उसको देखने हैं कैसे इसको अप्रोच करेंगे, और आपको जो प्रॉपर्टी है वो सारे प्रॉपर्टी आपको यूज होने वाला है। तो आप देखिए सबसे पहले कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग गिवन। ठीक है, गिवन में क्या क्या है वो हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या है आपका पी क्यू, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसको मतलब लिख सकते हैं हम लोग क्या, पी क्यू टी एंगल ओके इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, टी क्यू आर ये दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू टी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, इसको आर क्यू टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आर क्यू टी भी लिख सकते हैं, ये आपका इक्वल दिया हुआ है। और नेक्स्ट आपका जो है ये एंगल पी आर टी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एंगल एस आर टी। ठीक है, ये इक्वल दिया हुआ है, एस आर टी ये दिया हुआ है इक्वल। हम लोग को प्रूफ करना है क्या, ये प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपको कभी कभी ये क्वेश्चन भी दे देगा, फिगर दे देगा, कभी कभी आपको जो स्टेटमेंट रहता है उस तरह भी आपको दे सकता है। ये आपका एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो क्यू टी आर इक्वल्स टू 1/2 ऑफ क्यू पी आर। ठीक है, ये सारा ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ फिगर के हेल्प से दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर देखना है प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे हम लोग का रिलेशन चाहिए QTR। ठीक है, QTR का रिलेशन हम लोग को चाहिए किसके साथ, QPR के साथ। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, एंगल PRS जो होगा ना इन ट्राइंगल PQR में क्या होगा, इन ट्राइंगल PQR में लिख देते हैं एंगल PRS इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल PRS मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो इसको ऐसा लिख देते हैं, एंगल क्या होगा QPR हो जाएगा, QPR प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, यानी PQR हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों होगा आपका, EAP के कारण, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हमको चाहिए क्या, PRS। हम लोग पूरे को क्या कर देते हैं, हमको चाहिए QTR। तो QTR आप देखें कहाँ है, QTR हम लोग यहाँ पे QTR। ठीक है, तो ये चीज़ दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे समझेंगे अगर इसको हम लोग हाफ करेंगे, क्या आ जाएगा देख लीजिए आप, अगर हाफ ऑफ द एंगल PRS करेंगे और हाफ ऑफ द एंगल QPR करेंगे और हाफ ऑफ द एंगल क्या करेंगे, सब पूरे को हाफ से हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे PQR होगा। तो आप बताएं PRS मतलब हाफ ऑफ द PRS, आप देखें PRS का हाफ क्या होगा, TRS हो जाएगा, SRT हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, SRT ये लिख सकते हैं। QPR इसको लिख देते हैं, इसको कुछ नहीं लिखना है, हम लोग 1/2 QPR रखते हैं इसको, क्योंकि तो इसका काम आने वाला है QPR। देखिए QPR का प्लस 1/2 PQR का हाफ क्या लिख सकते हैं हम लोग, TRQT लिख सकते हैं, मतलब PQR का हाफ, ये दोनों इक्वल है, तो इसका जो पूरे का हाफ ये लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं RQT, क्या होगा RQT, ये चीज़ लिख दी है। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या ले लिए, 1 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए आप, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इस बार ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर ले रहे हैं, ये ठीक है, ये वाला एक्सटीरियर ले रहे हैं। तो आप देखिए कौन सा एक्सटीरियर आ जाएगा इसमें, इन ट्राइंगल हो जाएगा TRQ। ठीक है, इन ट्राइंगल TRQ, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल TRQ एंगल TRQ क्या हो जाएगा आपका, TRQ एंगल TRS इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल
TRS मीन्स SRT लिखे हैं इसको। सो SRT इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखें SRT इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल मतलब क्या होगा QTR, QTR प्लस क्या हो जाएगा आपका IQT, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा IQT, ये आपका क्यों हुआ, आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण हुआ, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए दोनों में इक्वेशन में, उसी के हम लोग उसी के व्यू से हम लोग इसको इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, हमको चाहिए क्या क्या वो चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले हमको चाहिए क्यू टी आर, ठीक है, ये क्यू टी आर आपका कहाँ है, आपका क्यू टी आर, ये आपका क्यू टी आर आ गया, ठीक है। हमको एस आर टी नहीं चाहिए तो हम लोग दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर टू है, ठीक है, इक्वेशन नंबर टू है। तो अगर इक्वेशन को ये देखिए आप एल एच एस इसका इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या होगा, आर एच एस भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है, इक्वेशन वन और टू के हेल्प से आप क्या मिलेगा देख लीजिए, आप ये लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट क्या लिखेंगे, वन बाई टू ऑफ एंगल क्या होगा क्यू पी आर, वन बाई टू एंगल क्या होगा क्यू पी आर प्लस क्या होगा आर क्यू टी, आर क्यू टी इक्वल्स टू, आर क्यू टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आप इधर देखिए टी आर, क्यू टी आर और ये आ जाएगा कि आपका प्लस आर क्यू टी, ओके आर क्यू टी। तो आप देख लें यहाँ पे ये जो आपका एक टर्म जो है दोनों साइड में है, ये वाला टर्म जो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बचेगा, आप देखें यहाँ पे आ जाएगा क्या क्यू टी आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका वन बाई टू ऑफ क्यू पी आर, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, ये आपका ये प्रूफ हो गया एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू क्यू पी आर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसका हम एक एप्लीकेशन करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, इसका एप्लीकेशन में आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, सारा डाटा यही दिया हुआ रहेगा, आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा में आपको ऐड कर देगा, आपको सारा कुछ बनवा लेगा ये आपसे। ये मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया क्या क्यू टी आर, ये है, ये जो होगा आपको लिख देगा क्या, ये जो है आपका 80 डिग्री है, क्या है 80 डिग्री। आप इसको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में रहेगा, फाइंड क्या है, फाइंड क्या करना है क्यू टी आर को, ठीक है, फाइंड एंगल क्यू टी आर। तो आप देखिए आप क्यू टी आर फाइंड करने के लिए आपको कैसे बनाना है, आपको ये चीज़ आपको सारा कुछ यही होगा, सिर्फ इसमें आपको अगर मल्टीपल चॉइस हो तो आपको डायरेक्ट बनाएंगे आप, लेकिन अगर आपका दो या तीन मार्क्स में पूरा आपको बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप देख लें ये आपके पास क्या दिया हुआ है, क्यू पी आर इक्वल्स टू कितना दे दिया है, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू कितना दे दिया आपका 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको प्रूफ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, अब ये चीज़ है आप इसको ऐसा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये दिया हुआ है आप देखेंगे आप एंड टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है क्यू टी आर को, क्यू टी आर को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सारे चीज़ आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, लास्ट में इसका जो है इसका वीडियो आपको पुट करना पड़ेगा, इसका आंसर निकालना पड़ेगा आपको लास्ट में। आपका देखें आप एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू क्या होगा आपका वन बाई टू क्यू पी आर, सो क्यू पी आर इक्वल्स टू वन बाई टू इंटू क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 40 डिग्री हो गया आपका, एंगल किसका वैल्यू आ गया क्यू टी आर का, तो आपको ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपको बनाने के लिए, या आपको जो है थोड़ा पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस से आपको बनाना पड़ेगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको ये जो है इसका कैसे एप्लीकेशन करना है। तो जब भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ से आप उसको डायरेक्ट उसको रिजल्ट ये भी यूज करें, लेकिन अगर इसका जो है आपको 3 या 4 या 2 मार्क्स का है तो पूरा का पूरा आपको बनाना पड़ेगा, जैसे आपको हम रिजल्ट को प्रूव किए। तो कुछ क्वेश्चन इसमें दिए थे आर डी शर्मा और आर एस शर्मा, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है तो आप उसको से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है तो आपको हम कुछ क्वेश्चन इसमें डाल देते हैं ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसको जो है जैसे क्यू टी आर हो या क्यू पी आर हो तो उसको आप वीडियो को फाइंड करेंगे, ठीक है, कभी आपको क्यू टी आर मिलेगा, कभी आपको क्यू पी आर मिलेगा, ठीक है, तो कभी आपको क्यू टी आर मिलेगा, कभी आपको क्यू पी आर मिलेगा। तो आपको ये चीज़ आपको लिख देते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना देते हैं आपको इधर, ठीक है, हम टेबल बना देते हैं यहाँ पे, और आपको थोड़ा सा इस टाइप पे जो है थोड़ा सा आपको हम रिविज़न के लिए आपको ताकि आप ये रिजल्ट जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके ये रिजल्ट, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या था, ये क्यों था, ठीक है, तो आपको जो है ये आपको बनाना है, आपको इसको प्रोसेस से बनाना है आपको। तो ये आपको हम एंगल दे रहे हैं, ये पहला एंगल जो होगा आपका क्यू टी आर होगा, क्यू टी आर होगा, दूसरा एंगल क्या होगा क्यू पी आर होगा, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू दिया जा रहा है
और आपको पता होगा इसको डायरेक्ट से आपको तो पता ही होगा आपको क्यू टी आर इक्वल्स टू क्या होगा इसमें हाफ ऑफ द क्यू टी आर। तो आप डायरेक्ट इसको बनाएंगे जब आपका एम सी क्यू बेस्ड में हो, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको पूरा प्रोसेस वाइज से आपको क्या करना होगा इसको बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग पे रखें। नेक्स्ट ये आपको 60 डिग्री दिए बताएं क्या होगा विद द हेल्प ऑफ 30, कैसे होगा आपका क्यू टी आर इक्वल्स टू, आपका क्यू पी आर इक्वल्स टू कितना है 60 है, क्यू टी आर इक्वल्स टू 30 होगा। ठीक है, आप कैसे होगा आप इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपका 40, ये आपका जो है ये 50 है तो आपको बताएं क्यू पी आर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये आपका जो है 25 डिग्री है तो ये बताएं ये क्या होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये जो है ये 70 डिग्री है। ठीक है, तो आप बताएं ये वाला एंगल क्या होने वाला है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के हेल्प से इसको बताएंगे आप। नेक्स्ट जो है, अगर ये जो है आपका 80 डिग्री है तो आपको बताएं, सॉरी ये आपका जो है 64 डिग्री है तो ये आपको बताएंगे ये क्या होगा। ठीक है, ओके, सो ये रिजल्ट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू।